बाघ बना सफेद शेर का दुश्मन। जंगल में सफेद शेर का राजपाट बहुत अच्छे से चल रहा था। सभी जंगल के लोग अपने राजा से बहुत अधिक खुश थे। हर किसी को उसकी हर फैसले पर बहुत ज्यादा नाज होता था। एक दिन वहाँ पर रहने वाले बाघ को राजा शेर की बुराई करने का मन हुआ। वो चाहता था कि सफेद राजा को वहाँ गद्दी से हटा दिया जाए और बाघ को राजा बना दिया जाए। मगर बाघ की हरकतें एक राजा जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो हर किसी को परेशान किया करता था, बेवजह लोगों का शिकार किया करता था और जगह जगह जाकर एक दिन वो राजा शेर की बुराइयां करने लग जाता है। जब ये बात राजा शेर को पता चलती है तो सफेद शेर उसे सजा सुनाता है। देखो बाघ, मैंने तुम्हें पहले भी कई बार सचेत किया है, तुम्हारी हरकतें इस पूरे जंगल को नहीं भाती। बेवजह शिकार करते हो, अपने ही राजा का अपमान करते हो और लोगों को भड़काते हो। निकल जाओ हमारे जंगल से, यही तुम्हारी सजा है। राजा शेर बाघ को जंगल से बाहर कर देता है। बाघ कसम खाता है कि अब वो राजा शेर से बदला लेकर रहेगा। वो अपनी बहन के यहाँ रहने चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े अजगर से होती है। अब तो हम दोनों बहुत अच्छे मित्र हो चुके हैं, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? क्यों नहीं, बताओ क्या काम है। बाघ अजगर से सफेद शेर की बेटी को डसने के लिए कहता है। अपनी दोस्ती निभाने के लिए अजगर राजा शेर की बेटी को डसने की चाल में चल पड़ता है। अभी अजगर राजा की बेटी को डसने ही वाला था कि अचानक उड़ते हुए चील की नजर अजगर पर पड़ी और उसने उसे घायल कर दिया। ये बात जब राजा ने देखी तो राजा के साथ साथ बाकी जानवर भी वहाँ आ गए। अरे चील, ये तुमने क्यों किया, इस अजगर को इस तरह घायल कर दिया? अरे मगर ये अजगर तो हमारे जंगल का नहीं है। जी महाराज, बिल्कुल सही समझा आपने, ये अजगर हमारी प्यारी बिटिया आपकी बेटी को डसना चाहता था। और जानते हैं इसे भेजने वाला कौन है? मैं कुछ समझा नहीं। बाघ, आपसे बदला लेने के लिए इसे दोस्ती में मनाकर यहाँ पर लेकर आया है। सफेद शेर उसी समय अजगर को जंगल से बाहर निकाल देता है। बाहर पहुंचकर अजगर अपने दोस्त से कहता है, मैं दोस्ती में आकर तुम्हारी बात मान बैठा, वो लोग इतने बुरे नहीं हैं जितने तुम हो। किसी से बेवजह बदला लेना और वो भी उनके बच्चों के माध्यम से, ये गलत बात है। आज से तुम्हारे साथ दोस्ती खत्म, तुमने अपने साथ साथ मेरा भी अपमान होने दिया। जा रहा हूँ मैं, और आज के बाद हमारे जंगल में भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है बाघ। और इस तरह से बाघ को एक और जंगल से बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्ती से वो हाथ धो बैठता है और फिर से एक नई जगह की तलाश में निकल पड़ता है। एक बैल और गाय का जोड़ा जंगल में रहा करता था। गाय माँ बनने वाली थी, बैल उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। दोनों जैसे तैसे गरीबी में दिन काट रहे थे। बैल चाहता था कि वो अपनी पत्नी को पूरा आराम दे और उसका बच्चा बहुत ही तंदुरुस्त बाहर आए। एक दिन बैल अपने घर की तरफ आ रहा था, उसे उस दिन भी कोई काम नहीं मिला। कई दिनों से वो काम की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। अचानक उसका पैर एक दलदल में फंस जाता है। अरे अरे अरे, मेरा पैर, कोई है। बैल आवाज लगाकर मदद के लिए पुकारने लगता है। तभी तेज बारिश हो जाती है और बैल को निकालने के लिए कोई वहां पर नहीं पहुंचता। बैल वहीं पर दम तोड़ देता है। गाय अपने पति को ढूंढती बारिश के मौसम में वहां पहुंचती है और अपने पति को मरा हुआ पाती है। गाय जोर जोर से रोने लगती है। अब हमारा क्या होगा, मैं अपने बच्चे को अकेले कैसे पालूंगी। बारिश रुक जाती है। सबकी मदद लेकर जैसे तैसे गाय बैल का अंतिम संस्कार कर देती है। अरे भगवान, ये कैसी विपदा मुझ पर आ गई है, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, हे भगवान। तभी उससे मिलने के लिए उसकी सहेली हिरन वहाँ पर आती है। हिरन गाय से कहती है,
मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि तुम्हारे पति अब नहीं रहे। मगर गाय, तुम्हें तो इतनी बड़ी संघर्ष की लड़ाई को लड़ना है। अपने आप को संभालो। ये लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बीज लेकर आई हूँ। मैं भी तो खेती करती हूँ। मैं भी तो अकेली हूँ। मेरे पति 5 साल पहले गुजर गए। अपने बच्चों को अकेले पालती हूँ। ये बीज इसलिए लाई हूँ ताकि तुम भी खेती करके अपना और अपने बेटे का जीवन आसान कर सको। गाय जैसे तैसे अपने मन को मनाती है और हिरन का शुक्रिया अदा करती है। दिन रात मेहनत करती है और पूरी फसल खड़ी कर देती है। सारे बीज बोने के बाद बहुत अच्छी फसल हो जाती है। एक दिन उसका बच्चा भी दुनिया में आ जाता है। दोनों सहेलियां बड़े प्यार से रहती हैं। हिरन गाय की मदद करती है और गाय हिरन की। एक दिन गाय हिरन से कहती है, बहन तुमने ऐसे समय में मेरी मदद की जब मेरे पास कोई नहीं था। किसी के आगे भीख मांगने से पहले ही तुमने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे इस योग्य बना दिया कि मैं अपना और अपने बच्चे का पालन पोषण कर सकूं। तुम मेरी सच्ची मित्र हो। आओ मेरे गले लग जाओ। दोनों खुशी खुशी रहने लगती हैं। गाय और लोमड़ी की दोस्ती। एक दिन एक गाय खाने की तलाश में घूम रही थी। वो बहुत जल्द माँ बनने वाली थी, इसीलिए उसे बहुत ज्यादा खाना खाना पड़ता था। उसे बहुत भूख लगा करती थी। बहुत जल्द मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा और फिर वो हंसेगा, खेलेगा, जंगल की सैर करेगा। बता क्या खाएगा मेरे बच्चे? उसका आज कुछ बहुत अच्छा फल खाने का जी कर रहा था। तभी वो जंगल के ऐसे स्थान पर पहुंची जहां बहुत सारे फलदार वृक्ष थे। मगर वो इस बात से अनजान थी कि वहीं पर बब्बर शेर किसी शिकार की तलाश में घूम रहा है। बब्बर शेर जैसे ही गाय को देखता है तो सोचता है, अरे वाह, आज तो बढ़िया शिकार मिला है। मगर मैं इसे कैसे खा सकता हूँ? ये तो माँ बनने वाली है, मुझ पर पाप चढ़ जाएगा। क्या करूँ क्या करूँ? थोड़ी देर बाद राजा शेर की सहायक लोमड़ी वहाँ आ जाती है। बिल्कुल सही सोचा है आपने राजा शेर। एक गर्भवती गाय को खाने से आपके सर पर पाप चढ़ सकता है, मगर शायद बहुत जल्द आप इसे खा सकते हैं। मेरे हिसाब से बहुत जल्द बच्चा होने वाला है। जरा ध्यान से देखिए, वो तड़प रही है। हो सकता है उसका बच्चा अभी हो जाए। अरे वाह, तब तो दो दो शिकार। मैं खा जाऊंगा गाय को भी और उसके बछड़े को भी। क्यों लोमड़ी, क्या कहती हो? बिल्कुल ठीक कहा राजा जी, मगर अभी आपको यहाँ से थोड़ा बाहर जाना चाहिए। जब तक बच्चा नहीं हो जाता आपका यहाँ रहना ठीक नहीं। लोमड़ी बहुत समझदार थी। वो अपनी बातों में उठाकर राजा शेर को गाय से दूर करना चाहती थी। जैसे ही गाय बच्चा देती है, लोमड़ी उस बच्चे को लेकर और गाय को सारी बात समझाकर वहाँ से बहुत दूर ले जाती है। थोड़ी देर बाद जब राजा वापस उसी जगह पर आता है तो देखता है कि ना तो वहाँ पर गाय है, ना बछड़ा और ना ही लोमड़ी। और उधर लोमड़ी गाय से कहती है, आज मैंने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी मदद की है। अपने बछड़े को देखो और उसका ख्याल रखना। मैं राजा शेर को किसी नई बात में फंसा कर तुम्हारी कहानी सुना दूंगी। गाय लोमड़ी का बहुत शुक्रिया अदा करती है। मुन्ना रो रहा था। राजू और किशोरी का एक छोटा सा लल्ला हुआ था। उन्होंने उसका नाम कृष्णा रखा था। कृष्णा बहुत प्यारा था। गांव के सभी बच्चे उसे देखने आते, उससे मिलने आते और उससे खेलने के लिए आते। एक दिन पड़ोस की चाची रत्ता उस छोटे से लल्ला कृष्णा के लिए जुराबे बना कर लाती है। ये देखो, मैं तुम्हारे लल्ला के लिए कृष्णा के लिए बहुत प्यारी जुराबे बना कर लाई हूँ, पहना दे इसे जरा। हाँ हाँ चाची, क्यों नहीं, आपने इतने प्यार से जो बनाई है। किशोरी बड़े प्यार से उन जुराबों को लल्ला को पहना देती है। चाची भी खुश हो जाती है। अरे चाची, बहुत सुंदर जुराबे बनाई हैं आपने। बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। किशोरी चाची को चाय पिलाती है
और कुछ देर बाद चाची अपने घर लौट जाती है। शाम को जब राजू लौट कर घर आता है तो लल्ला को देखकर बहुत प्यार करता है और अपनी पत्नी को एक थैला देते हुए कहता है, अरे किशोरी ये देखो, आज लल्ला के लिए बहुत सारे कपड़े और जुराबे लेकर आया हूँ, सर्दियाँ आने वाली है ना। अरे आप भी जुराबे ले आए, ये देखो आज जो लल्ला ने पहना हुआ है वो तो पड़ोस वाली चाची लेकर आई थी। अरे वाह, ये तो सच में बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस समय तो ये मेरा प्यारा लल्ला अपने पिता की लाई हुई जुराबे पहनेगा। लाओ लाओ निकालो थैले से। राजू फटाफट नई जुराबे अपने लल्ला को पहनाकर खाना खाने बैठ जाता है। दोनों पति पत्नी आराम से खाना खा रहे थे, तभी छोटा नन्हा कृष्णा जोर जोर से रोने लगता है। अरे ये इतना रो क्यों रहा है जी? क्या पता, तुम फटाफट खाना खाओ और उसे सुलाओ। राजू और किशोरी पूरी रात जागते हैं, लेकिन उनका लल्ला कृष्णा चुप होने का नाम ही नहीं लेता। तभी पड़ोस की चाची आवाज सुनकर उनके घर पहुंच जाती है। अरे क्या हुआ किशोरी, पूरी रात तेरा लल्ला रो रहा था, मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया, बात क्या है बिटिया? पता नहीं चाची, पूरी रात रोता रहा, मैंने तो इसे दूध भी पिलाया, सुलाने की बहुत कोशिश की, मगर ये चुप ही नहीं होता। ला जरा मुझे तो दे। चाची अपनी गोद में बच्चे को लेती हैं और देखती हैं कि उसने नए जुराबे पहनी हुई हैं। चाची तुरंत उन्हें उतारती है। तभी किशोरी कहती है, अरे अरे चाची ये मत उतारिए, इसके पिताजी कल रात को ही नई जुराबे लेकर आए हैं। अरे अरे कोई बात नहीं, अरे ये देख आजकल की बाजारू जराबों में क्या क्या लास्टिक वगैरह लगा रहता है, लल्ला की पूरी टांगे सूज गई हैं। हाय राम, सच में चाची, क्या ये इसीलिए रो रहा था? हाँ चल अब थोड़ा सा तेल लगा इनके पैरों पर, तभी लल्ला को आराम आएगा, बेचारा कब से यही बात कहना चाह रहा था। राजू को अपनी गलती का बहुत एहसास होता है। चाची जाते हुए कहती है, तभी तो कहते हैं बड़े बुजुर्गों के हाथ के बने नरम नरम कपड़े अपने बच्चों को पहनाओ, उनसे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। कल मैं लल्ला के लिए और जराबे बना कर ले आऊंगी। कोई बात नहीं, नए नए माता पिता हो, गलतियां तो होती ही रहती हैं।